साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिनके एक विशेष राजनीतिक पहचान होती है और प्रत्येक दल के बड़े नेता भी ये मान के चलते हैं कि फलां क्षेत्र में अगर पार्टी ने रैली की और वो रैली कामयाब हुई तो उसका असर जो है वो व्यापक रूप से पूरे प्रदेश के अंदर फैलेगा। आज ऐसे ही हरियाणा प्रदेश के एक ऐतिहासिक नगरी जो राजनीतिक रूप से समय अनुसार बार बार अनेक राजनेताओं को ताकत देती रही है, वो धरती आज जिक्र करेंगे हरियाणा प्रदेश के उस ज़िले का। साथ ही उस ज़िले का नाम है जींद। जींद ऐसी धरती रही है, जब चौधरी देवीलाल जी ने न्याय युद्ध की शुरुआत की तो जींद के अंदर एक ऐतिहासिक रैली उन्होंने की थी और चर्चा आज हरियाणा प्रदेश में एक ही है कि जितनी भीड़ चौधरी देवीलाल जी उस जींद रैली के अंदर न्याय युद्ध के नाम से जो आंदोलन किया था उसके अंदर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी शायद आज तक किसी भी जनसभा के अंदर वो भीड़ इकट्ठा नहीं हुई है। वहाँ से चौधरी देवीलाल जी का आंदोलन चला और उस आंदोलन को इतना बल मिला कि 90 में से 85 सीटें जीत करके चौधरी देवीलाल की पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के गलियारों में साथियों पहुँची थी। समय बीतता गया, चौधरी बंसीलाल जी ने भी हरियाणा विकास पार्टी कांग्रेस से अलग होकर के बनाई और जब चौधरी बंसीलाल जी ने भी तकरीबन पूरे हरियाणा प्रदेश का भ्रमण किया तो उन्होंने भी जींद की धरती का ही चयन किया 1996 के विधानसभा चुनाव से पहले और प्रदेश सत्र की वहाँ रैली वहाँ की, जिसमें जो आज के वर्तमान सांसद जयप्रकाश जो हिसार से चुने गए हैं, इन्होंने उस समय हरियाणा विकास पार्टी का साथियों दामन थामा था और ये उस रैली के आयोजक थे। तो वो रैली भी उस रैली में भी बड़ी अपार भीड़ जुड़ी थी साथियों, और वहाँ से चौधरी बंसीलाल जी का प्रदेश की सत्ता के अंदर जो आगमन की शुरुआत मान करके लोग चल रहे थे कि जींद की धरती ने जो साथ चौधरी बंसीलाल का दिया है और आगे चल कर के भाजपा के साथ उनका समझौता भी हुआ और वो भी सत्ता तक पहुँचे। धीरे धीरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी राजनीतिक उदय हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर हुआ, जब लगातार 3 बार इन्होंने चौधरी देवीलाल जैसे दिग्गज नेता को लोकसभा चुनाव के अंदर हराया। तो जब नेता के रूप में इनकी छवि निखर करके आई तो बार बार हुड्डा साहब भी आज ये जिक्र करते हुए हमें नज़र आते हैं जींद की धरती पर जा कर के मैंने जो आंदोलन की शुरुआत की है वो जींद की धरा से ही की। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जींद ने जिस नेता का साथ दिया है कि वो पार्टी हरियाणा प्रदेश के सत्ता के गलियारों में साथियों पहुंची है। जींद के अंदर भी बड़े नेता पैदा हुए हैं, चौधरी दल सिंह जी होते थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूंबरखा जी भी जींद ज़िले से हैं, पहले कैथल भी इनका हिस्सा होता था, शमशेर सिंह सुरजेवाला नरवाणा से चुनाव लड़ते थे, बाद में रणदीप सुरजेवाला लड़ते थे, अनेक नेता मांगेराम गुप्ता जी ये भी प्रॉपर जींद से विधायक चुने गए और मंत्री रहे हैं प्रदेश सरकार के अंदर। और जींद की धरती साथियों की विशेष रूप से भी जींद जो ज़िला है वो चर्चाओं में है। जब से ये परिसीमन हुआ है पिछले लोकसभा का, करीब 3-4 चुनाव हो चुके हैं, इस परिसीमन में जींद जिला एक ऐसा ज़िला है जो 3 सांसदों का चयन करता है साथियों। अगर वैसे तो आप सांसद देखेंगे तो कुछ दिन पहले तक रोहतक ज़िले के भी 1 मेंबर पार्लियामेंट और 2 राज्यसभा के सांसद थे। अरविंद शर्मा जी लोकसभा के लिए चुने गए थे 2019 के चुनाव में,
और आगे चल करके दीपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, जो रोहतक जिले से ही थे, और फिर राज्यसभा से निर्वाचित हुए दूसरे सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी महम से, वो भी राज्यसभा के लिए चुने गए। तो वो समय भी ऐसा था कि एक ज़िले से दो राज्यसभा के और एक लोकसभा के सांसद थे, लेकिन अब दीपेंद्र हुड्डा जी लोकसभा के लिए चुन लिए गए हैं तो उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी। उसके ऊपर चुनाव होगा, कौन पार्टी किसको उम्मीदवार बनाएगी, वो किस जिले से होगा, प्रदेश के किस कोने से वो नेता होगा। लेकिन रामचंद्र जांगड़ा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी दो सांसद तो आज भी रोहतक जिले से साथियों हैं। लेकिन जींद जिले की जो मैं आपसे विशेष चर्चा कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि जींद जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र तो साथियों ऐसे पड़ते हैं कि जो सोनीपत लोकसभा का जो सांसद चुना जाता है कि वो तीन हलके सोनीपत पार्लियामेंट्री के अंदर लगते हैं, जिनमें जींद है, जुलाना है और सफीतों है। तो सोनीपत का जो सांसद बनता है उसके ऊपर भी जींद जिले के तीन हलकों के जो वोटर हैं वो उनका मतदान करते हैं। तो एक तो हिस्सेदारी उनके सोनीपत पार्लिया सांसद के साथ हो गई, दूसरी हिस्सेदारी साथियों जैसे हिसार लोकसभा सीट है, अब की बार वहाँ से जयप्रकाश जेपी जी कांग्रेस के प्रत्याशी चुने गए हैं। कुछ इलाका जो है वो उचाणा जैसी सीटें जो हैं जींद की, वो हिसार पार्लियामेंट के अंदर लगती हैं, तो वहाँ भी इस जिले की भागीदारी। और तीसरी भागीदारी साथियों सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जहाँ से कुमारी शैलजा जी सांसद चुनी गई हैं। तो एक ऐसा ऐतिहासिक जिला कि जिस जिले के मतदाता तीन मेंबर पार्लियामेंट को चुन करके भेजते हैं, और हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश जिसमें केवल 10 सांसद चुन करके जाते हैं लोकसभा के, और 10 में से तीन के अंदर जींद जिले की भागीदारी। लेकिन फिर भी विकास कार्यों की दृष्टि से हम देखें तो जींद कई इलाकों से साथियों विकास कार्यों में पिछड़ा हुआ है। ये ऐसा क्यों है, ये थोड़ा सा राजनेताओं को भी सोचना होगा, क्योंकि बार बार एक ही दल से सांसद नहीं बनते। लेकिन आज तो ये भी इत्तेफाक कहेंगे कि सिरसा से जो सांसद बने वो भी कांग्रेस पार्टी के कुमारी शैलजा जी के रूप में बने, हिसार से जो सांसद जयप्रकाश जी बने वो भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, और सोनीपत से जो सतपाल ब्रह्मचारी जी चुनाव जीत करके आए वो भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। तो अगर इस प्रकार का हम कयास लगा करके देखें तो विकास की दृष्टि से जींद सबसे अग्रणी जिला होना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी पार्टियां हैं सबका फोकस चुनाव के ऊपर साथी होता है। लेकिन इस प्रकार का जब परिदृश्य आता है तो इस परिदृश्य के अंदर जो सांसद चुन करके आए हैं उनका भी एक नैतिक फर्ज ये है कि वो भी अपने इलाके के अंदर जो है विकास कार्यों की तरफ ध्यान दें, और जो जिला जिसको ये सौभाग्य प्राप्त है जो तीन मेंबर पार्लियामेंट चुनता है कि विकास की दृष्टि से वो अग्रणी होना चाहिए। तो साथियों जिस प्रकार से तीन सांसदों का चयन सोनीपत जिला करता है, शायद ही देश के अंदर कोई जिला ऐसा होगा जो तीन लोकसभा प्रत्याशियों के लिए उस जिले के मतदाता वोट डालते हों। भले ही वो दिशाएँ अलग अलग हैं, हल्के अलग अलग हैं, लेकिन ये बड़े एक तरह से सौभाग्य की बात ही आप मान करके चलिए। साथियों इसी प्रकार की जानकारी हम आप तक और पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। तब तक अगले मुद्दे का आप इंतज़ार कीजिए, जल्द ही हम दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे। शुक्रिया।